जब आप कोई थ्रिलर फिल्म देखने जाते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि यार थ्रिल इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सीट से उठने का मौका ना मिले। मैंने राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट केस देखी। ये एक रीमेक है। पहली बात तो मुझे हैरानी हुई कि राजकुमार राव ने रीमेक किया है। मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा यार कुछ तो खास होगा ना, मैंने किया है, देखना फिल्म पता चलेगा। मैंने देखी तो पता चला। 2020 में फिल्म आई थी हिट द फर्स्ट केस, तेलुगु फिल्म थी। शैलेश कोलानू ने उसे डायरेक्ट किया था। शैलेश की वो पहली फिल्म थी और शैलेश ने ही इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। देखिए, फिल्म जब शुरू होती है ना, तो थोड़ी सी अटपटे तरीके से शुरू होती है, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन बहुत जल्दी फिल्म मुद्दे पे आ जाती है। जो ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक लड़की का किडनैप हो जाता है, राजकुमार राव होमिसाइड इंटरवेंशन टीम यानी हिट का हिस्सा है, उन पर जिम्मेदारी आती है इस लड़की को ढूंढने की। वो ढूंढते हैं, बहुत से लोगों पर शक जाता है, जिस तरह से थ्रिलर फिल्मों में होता है, लेकिन इस दौरान राजकुमार राव के साथ निजी जिंदगी में भी कुछ कुछ होता है और ये कहानी आगे बढ़ती है। हर सीन में आपको कुछ नया मिलता है, हर सीन कुछ चौंकाने वाला होता है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। और यही इस फिल्म की खूबी है कि आपको सीट से बांध के रखती है। आपको वक्त नहीं मिलता कि आप फोन देख लें, आपको वक्त नहीं मिलता कि आप बाहर चले जाएं, कॉल पर बात कर लें, क्योंकि गए तो कुछ मिस हो जाए। जी हाँ, ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव फिल्म की जान है। राजकुमार राव ने अपनी आंखों से बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है, बहुत इंटेंस लगे हैं वो। उनका किरदार कुछ ऐसा है कि वो पर्सनल लाइफ में भी कुछ परेशानियों से जूझ रहे हैं और उन एक्सप्रेशंस को राजकुमार राव ने बड़े जबरदस्त तरीके से दिया है। हर फ्रेम, हर सीन में राजकुमार राव छाए हुए हैं और इस फिल्म की USP राजकुमार राव है। सानिया मल्होत्रा टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका रोल जरा कम था, उनके सीन्स थोड़े बढ़ाए जा सकते थे। हालांकि हो सकता है कहानी की डिमांड के हिसाब से डायरेक्टर को लगा हो कि इतना ही चाहिए, लेकिन डायरेक्टर चाहे तो टैलेंटेड एक्टर का यूज और अच्छे से कर सकता है और उनका इस्तेमाल और अच्छे से किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस फिल्म में कमी नहीं है। इस फिल्म में कमी यह है कि जब फिल्म खत्म होती है ना, तो कुछ एक सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं मिलता। आपको लगता है कि यार ये तो पता नहीं चला क्यों हुआ था। वो सवाल कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। अब पार्ट टू के लिए छोड़े गए हैं या किस लिए छोड़े गए हैं या गलती से छोड़ दिए गए हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ सवाल तो छूट गए। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो क्लियर हो जाता है। आप सीट पर बैठे रहते हैं, आपको मजा आता है देखने में, राजकुमार राव बड़े अच्छे लगते हैं और आपको एंड में लगता है कि भैया हमारे पैसे वसूल हो गए। तो अगर अच्छी थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल वाली नहीं देखी हुई, क्योंकि भैया थ्रिल तभी महसूस होगा, और राजकुमार राव के फैन हैं, तब तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मजा आएगा। अब बात अमित का आशीर्वाद की, तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई खूब सारे पैसे बचवाते हैं हम आपके। जब खराब फिल्म आती है हम आपको बताते हैं, अच्छी फिल्म आती है तब भी बताते हैं। तो वीडियो देख रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भैया।